नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। देवधर के सभी सरकारी कार्यालयों में रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे एवं रीवा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्पित वर्मा के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान जनपद कार्यालय, तहसील कार्यालय, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कार्यालय और जल संसाधन विभाग के कार्यालय में कर्मचारी नदारद दिखे। इस मौके पर कलेक्टर बसंत कुर्रे द्वारा सभी नदारद कर्मचारियों को तत्काल मौके पर ही जवाबी नोटिस थमाया गया। कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के इस औचक निरीक्षण के बाद कार्यालयों के कर्मचारियों में भय का माहौल है और कहीं ना कहीं दिन भर उनमें अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए कलेक्टर महोदय ने अवैध उत्खनन को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि ऐसा मामला प्रकाश में आया है और आने वाले दिनों में जल्द ही अवैध उत्खनन को लेकर के माफियाओं के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पूर्व में भी त्योथर के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा लगातार अवैध उत्खनन को लेकर कई बयान जारी किए गए और माफियाओं पर कार्रवाई की बात कही गई। अब देखना यह प्रासंगिक होगा कि आने वाले दिनों में कलेक्टर महोदय के द्वारा कार्रवाई की बात कहने के बावजूद क्या माफियाओं पर लगाम लगाई जा सकती है या पूर्व की तरह माफियाओं के बुलंद हौसले की वजह से अवैध रेत उत्खनन का गोरख धंधा चलता रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं द खबरदार न्यूज की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। सर, आज आपका त्योथर आकस्मिक निरीक्षण हुआ है और सर बहुत से कार्यालय में कर्मचारी और अधिकारी नदारद मिले, सर क्या कार्रवाई होगी उन पे? देखिए, मेरा जो ये त्योथर विजिट है जी, इसमें मेरे साथ सीओ जिला पंचायत भी साथ में जी। आज हम लोग डबौरा की तरफ आपकी सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसके पहले हमने त्योथर में औचक निरीक्षण किया जिसमें तहसील, जनपद, SDO PWD और SDO WRD इनके कार्यालय में हम लोग आकर यहाँ पर व्यवस्थाएँ देखी हैं और देखा कि यहाँ पर कुछ कर्मचारी और इन अधिकारी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। सर, यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हम करेंगे। सर, त्योथर में अवैध रेत का खनन बहुत तेजी से हो रहा है, गंतीरा घाट हो गया, ढेहर घाट और कोटरा घाट, सर उस पर क्या कार्रवाई होगी? आपने ये बात मेरे ध्यान में लाई है और निश्चित रूप से जो माइनिंग विभाग के हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।